अच्छा क्या लग रहा है इस बार महाराजगंज में? आकाश कुमार को। क्यों आकाश कुमार को? मोदी जी से हम लोग पा गए हैं। मोदी से पा गए हैं? हाँ। तो यहाँ के सांसद तो काम नहीं किए हैं? काम का किया है। और यहाँ के सांसद निकम्मे है। निकम्मे है और यहाँ के जनता बदलाव चाह रही है। इस वर्ष में एक बार भी हमारे पंचायत में दिखाई नहीं दिया सिग्रीवाल जी, ठीक है? वो आएंगे तो हम लोग उनको जूते का माला पहनाएंगे, इसलिए हम लोग तैयार है। 100% हम लोग वोट महागठबंधन को इंडिया से को दे रहे हैं। आ यहाँ से तो आकाश सिंह को भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। हम लोग कांग्रेस को जिताएंगे यहाँ से महाराजगंज क्षेत्र से। परिवर्तन चाहिए। हाँ परिवर्तन, एकदम परिवर्तन चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी हाँ ठीक है, मोदी जी भी अपने जगह पर हैं, मोदी जी की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग महाराजगंज क्षेत्र से सिर्फ इन सहनी जी को हम लोग वोट देंगे। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सिग्रीवाल तो कट चुके हैं, वो कवरा देते हैं, कवरा मोदी जी फेंकते हैं, ये लोग कवरा नहीं फेंकते हैं, ये लोग रोजगार देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। लगातार महाराजगंज के क्षेत्र में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं आकाश सिंह वो घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या कर रहे हैं। आज आकाश सिंह आए थे आप लोगों के क्षेत्र, लग रहा है जी बहुत अच्छा लगा। विश्वास है वो भी युवा है, हम भी युवा हैं और इनको पार्लियामेंट हम लोग भेजेंगे, युवा की आवाज़ उठाएंगे और बहुत सक्रिय आदमी है और यहाँ के सांसद निकम्मे हैं। निकम्मे हैं और यहाँ के जनता बदलाव चाह रही है। महाराज बदलाव कर मतलब जी क्या लग रहा है? आकाश सिंह का विश्वास है? जी जी एकदम विश्वास है। क्या बोलिए, क्या विश्वास है? मैं बोलना चाहता हूँ परशुराम सहनी, निषाद विकास संघ जिला अध्यक्ष। मेरे जो अध्यक्ष जी है वो पूरे हमारे समाज को कसम खिलाए हैं गंगा जल लेकर, जे नहीं मलाह का वोट, नुनिया बीन बेलदार का वोट एक भी नहीं बिकेगा, जहां हम रहेंगे वहां बीट मिलेगा। आई 100 में 100% उतर रहा है, 100% हम लोग वोट महागठबंधन को इंडिया से को दे रहे हैं। आ यहां से तो आकाश सिंह को भारी मतों से हम लोग जिताएंगे और हर जगह बिहार में हम लोग जिताने का काम करते हैं। जो यहां के सांसद तो काम नहीं किए हैं? नहीं देखिए ना, दस वर्ष में एक बार भी हमारे पंचायत में दिखाई नहीं दिया सिग्रीवाल जी, ठीक है? वो आएंगे तो हम लोग उनको जूते का माला पहनाएंगे, इसलिए हम लोग तैयार है। मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं? मोदी की कोई गारंटी की बात नहीं है, खाली मतलब भाषण देता है, गारंटी कोई नहीं है, कोई गारंटी। मोदी जी जुमला बोल रहे हैं, जुमला जुमला बोल रहे हैं। हाँ एकदम जुमला। हम लोग कांग्रेस को जिताएंगे यहाँ से महाराजगंज क्षेत्र से। परिवर्तन चाहिए? हाँ परिवर्तन, एकदम परिवर्तन चाहिए। सांसद काम नहीं किए? नहीं काम नहीं किए, कुछ भी काम नहीं। हम लोग पंचायत हमारे क्षेत्र में सिग्रीवाल जी अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। हजपुरवा पंचायत में अगर कोई काम किया है तो आप पूछ लीजिए सिग्रीवाल जी से, 1% काम नहीं किया है। यहाँ दिखाई भी नहीं देते हैं, दिखाई भी नहीं देते, दिखाई नहीं दिए हैं आप लोग के सांसद। हाँ आकाश सिंह दिखाई देंगे जीतेंगे? अब तो उनकी बात की बात है, जो अब दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, अब जीतने की बात न बात है। हाँ, जिताइएगा। हाँ जिताने का हल्ले, हम लोग एकदम एक पैर पर खड़े हैं, एक पैर पर खड़े। हाँ एक पैर पर खड़े हैं। मोदी जी हैं? मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी हाँ ठीक है, मोदी जी भी अपने जगह पर हैं, मोदी जी की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग महाराजगंज क्षेत्र से सिर्फ इन सहनी जी को हम लोग वोट देंगे। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सिग्रीवाल तो कट चुके हैं। यानी कि मुकेश सहनी इनके साथ आए तो आप सहनी जी दीजिएगा? नहीं ये सहनिया है, ये क्या नाम है? आकाश सिंह को वोट देंगे। आकाश सिंह तो इनकी इन्हीं की बात हम कह रहे हैं, जो पांजा कांग्रेस। आकाश सिंह को हम लोग वोट देंगे, युवा वोट साथ है, युवा पूरे साथ है, आकाश सिंह के साथ है युवा। यस एकदम भारी मदद से एकदम विजयी बनाएंगे इनको, एकदम कोई शक नहीं है, एकदम पूरा फुल सपोर्ट है। हाँ इन्हीं का लहर चल रहा है, इन्हीं का लहर चल रहा है। सिग्रीवाल जो यहाँ के सांसद काम नहीं किए हैं? किए हैं, ये बनवाए हैं, उन्हीं का है। 10 साल में ही बनवाए हैं, 10 साल में जी। और कोई काम नहीं हुआ है? नहीं और कोई काम नहीं हुआ है यहाँ। आकाश सिंह पर विश्वास है? आकाश सिंह पर विश्वास है। आकाश जी का, आकाश जी का जो यहाँ के सांसद काम किए नहीं है? अरे कुछ किए हैं लेकिन आकर के यही दिखाए हैं, पहले तो कुछ नहीं किए हैं। पहले कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए। कब किए हैं? बस ये हो गया, 1 महीना हो गया बस। मोदी की गारंटी की बात की जा रही है तो गारंटी क्या है? उसे तो गारंटी से हम लोग को कोई मतलब तो नहीं है। वक्त हम लोग कौन, ये तो वक्त बताएगा कितना कौन पानी में है, 4 तारीख का मालूम पड़ जाएगा। लोगों का क्या लग रहा है कि काम किया कि नहीं जो सांसद हैं? काम तो किया, ऐसा थोड़ी काम नहीं किया, काम तो बहुत किया, ऐसा थोड़ी काम नहीं, काम तो किया। देखिए इधर ये बनाए हैं, ये बनाए हैं सब, तो काम नहीं हुआ है। जो बाकी जो है छूटा फूटा तो काम होता ही रहता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता है। अच्छा क्या लग रहा है इस बार महाराजगंज में? आकाश कुमार को। क्यों आकाश कुमार को? मोदी जी से हम लोग पा गए हैं।
मोदी से पक गए हैं। हाँ, जो यहाँ के सांसद तो काम नहीं किए हैं। काम कहाँ किए हैं, काम कहाँ किए हैं बताइए। 10 साल से सांसद हैं वो, अगला फिर सांसद है क्योंकि हम लोग रोड उखाड़ के खट्टा में चला गया है। क्या रोड में देखिए ना, पता लग जाएगा कितना काम हुआ है। रोड नहीं बना है, देखिए ना अभी फिगर ले लीजिए। आप ही लोग का सांसद है 10 साल से सांसद। बात ठीक है तो देख लीजिए ना आप लोग, आप देखिए इस पर क्या परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन ही होगा। आकाश सिंह पर विश्वास है, आकाश सिंह पर विश्वास है। काहे विश्वास है, वो कहते हैं बाहरी है, बाहर से आए आकाश सिंह। चाहे हम लोग का विकास करें ना, विकास करेंगे। हाँ, ये लोग संस्था चलाएंगे, संस्था नहीं चलाते हैं। वो कावरा देते हैं कुत्ते के आगे, कावरा मोदी जी फेंकते हैं। ये लोग कावरा नहीं फेंकते हैं, ये लोग रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। विश्वास है, विश्वास है। मोदी के गारंटी है, मोदी की गारंटी। मोदी जी मानिए गुजरात से आ लड़े, आग लड़ रहे बनारस है तो भी तो बाहरी है। बनारस में क्या किए हो, एक छोटा सा घाट बना दिए है, बहुत भारी काम कर रही है। तो कासिंग काम करेंगे महाराजगंज? अरे नहीं करेंगे तो 5 साल इनको भी मौका दिया जाएगा। मौका दीजिएगा। हाँ, मौका देंगे हम लोग। काम नहीं करेंगे तो उतार दीजिएगा। हाँ, और क्या, वो विश्वास है कासिंग, विश्वास है कि 5 साल इनको भी मौका। क्या भाई युवा है, क्या बोले? मोदी कितने कंपनी में तक बनाए हुए हैं बताइए ना। राम मंदिर से हो जाएगा युवा का, राम मंदिर सबका पेट भर जाएगा, भर जाएगा। इस बार परिवर्तन चाहिए हमको, परिवर्तन चाहिए, नौकरी चाहिए। वोट देते हैं ना? हाँ, युवा है। हाँ, युवा है यार। तो क्या लगता है महाराजगंज में क्या लग रहा है, विकास होगा? क्या किनको आप लोग चुन रहे हैं, जो यहाँ के सांसद वो काम नहीं किए? वहाँ तेजस्वी यादव चुन रहे हैं। तेजस्वी यादव को? हाँ। तो यहाँ के जो सांसद वो काम नहीं किए हैं, युवा है आप लोग ज्यादा घूमते? देखिए, मैं काम नहीं किया, मैं इतने दिन से बाहर था, ठीक है। अभी हमको कोई प्रगति नहीं दिख रहा, कोई लड़का अच्छा से नहीं पढ़ता, कोई सरकारी स्कूल में जाओ तो कोई टीचर बढ़िया से नहीं पढ़ाता है। यहाँ पर जाकर देखिए आप, टीचर नहीं पढ़ाता, नहीं बढ़िया से नहीं पढ़ाता है। इस बार परिवर्तन चाहिए। हाँ, इस बार परिवर्तन चाहिए। विश्वास है आकाश सिंह? हाँ, विश्वास है पूरा। क्या चाचा, क्या लगता है, विश्वास है? हाँ, अभी तो है, लगता है विश्वास है। हाँ, मोदी या चाहे भाई सिग्रीवाल फिग्रीवाल तो कभी आए नहीं मुझे इधर देखने के लिए। हाँ, कब आया है? फिर मोदी जी आ रहे हैं 21 तारीख को। 21 तारीख को फिर मोदी जी आ रहे हैं मोदी जी महाराजगंज में आ रहे हैं? हाँ, महाराजगंज आ रहे हैं 21 तारीख को। अरे मोदी आए या चाहे जाए उससे क्या मतलब है, इस बार परिवर्तन चाहिए। हाँ, जितना तमाम जनता का क्या कुछ कहना, हम आपको सुनवा रहे थे। जिस तरह से हम लगातार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र घूम रहे हैं, ऐसे में तमाम लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। जो यहाँ के सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उन्होंने काम कुछ नहीं किया है। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।